आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या के बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां लोगों ने कश्मीर में मारे गए बिहारियों के लिए दुख बयां किया, तो वहीं बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इसे कैराना हरकत बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर गरीबों को मार रहे हैं। विधायक ने केंद्र सरकार से कार्यवाही करने की मांग की और सुरक्षा देने की मांग की है, जिससे कि वहाँ से बिहार के लोगों का पलायन ना हो सके। वहीं इस पूरे मामले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि उन्हें बेहद दुख है कि कश्मीर में बिहारियों की हत्या की गई। उन्होंने प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात भी की। इसके अलावा मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इन हत्याओं के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं राज्य के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि 15 दिनों के लिए बिहारियों को कश्मीर सौंप देना चाहिए, वे सब ठीक कर देंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं, इससे लोग डर गए हैं। रविवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने 2 बिहार के रहने वाले मजदूरों की हत्या कर दी। मृतकों की पहचान बिहार के निवासी राज और जोगिंदर के रूप में हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।